जनपद चित्रकूट में महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में महाशिवरात्रि के पर्व पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु शिव मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें राम घाट स्थित मत्य गजेंद्र नाथ मंदिर की, तो यहाँ सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और श्रद्धालु बड़ी बड़ी कतारों में खड़े होकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त उनको जलाभिषेक बेलपत्ती और दूध से जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 3 बजे से अभी तक करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का आज के दिन विवाह हुआ था। ये शिव भक्त आज के दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। जी, शिवरात्रि का पर्व है और कितने क्या श्रद्धालु आने वाले हैं, क्या कैसी तैयारियां हैं? चित्रकूट में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यहाँ पर यहाँ के राजा मतवीरनाथ जी उनको जलाभिषेक करने के लिए और उनका उपचार पूजन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भक्तजन जनता जनार्दन आते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, पुरुषोपचार पूजन करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, भगवान शिव ने कहा था कि सारी सृष्टि का मूल ही तप है और माता पार्वती की तपश्चर्या का प्रतिफल आज माता जी को प्राप्त हुआ था भगवान शिव के रूप में, इसलिए इसका महत्व तो सर्वाधिक है। और ये जनता जनार्दन मानते हुए कि जब माता पार्वती की तपश्चर्या का प्रतिफल आज के दिन भगवान शिव ने प्रदान किया था, तो निश्चित रूप से आज हमारी जो तपश्चर्या है, जो भगवान शिव के प्रति सेवा है, उससे हमारा मन चाहा वरदान इच्छित फल प्राप्त होगा। ऐसी मनोकामना लेकर के बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनता जनार्दन भगवान मतवीरनाथ जिनकी स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी, उनका अभिषेक करने। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।